बंधुआई और लौटना। इसराइल के राज्य और यहूदा के राज्य दोनों परमात्मा के विरुद्ध पाप करिन, उन वाचा का तोड़ देन जौन परमात्मा उनके साथ सिने पर्वत में बांधे रहे। परमात्मा उन्हें पश्चाताप करे का और फिर से उनकर आराधना करे के लाने, चेतावनी दे के लाने अपन भविष्यवक्ता का भेजिन, पर उनके बातन का माने से मना कर देन। तब परमात्मा उनके शत्रु का उन्हें नाश करे में सक्षम कर देन और दोनों राज्य का दंड देन। असुर एक ठे दुष्ट देश रहो है जौन बहुत शक्तिशाली हो गौ है। ऊ दूसर देश के लाने बहुत निर्दयी भी रहे हैं। ऊ आके इसराइल के राज्य का नाश कर देन। असूरी ओके इसराइल के राज्य में बहुतन का मार डालिन, जौन चाहिन वह लूट लेन और देश के कितना हिस्सन का जला देन। असूरी सब अगुवन का धनवान मनई और ऐसे मनैन का जौन कीमती चीजन का बना सकत रहे हैं एक साथ इकट्ठा करिन और उन्हीं असुर देश ले गए। इसराइली में बस चुटू से गरीब इसराइली बचे रहे हैं। फिर असुरी में नहीं व देश में रहे के लाने विदेशीन का लेके आईन, उन विदेशीन उन नगरन का फिर से बनाइन। जौन इसराइली उन बचे रहे हैं उनके से ऊ शादी करिन, ई मनैन के वंशज सामरी कहलाइन। यहूदा के राज्य के मने देखिन कि कैसे परमात्मा ओखे ऊपर विश्वास न करा वालेन का और ओखे बातन का न माना वाले इसराइलिन के राज्य का मनैन का सजा देन, पर तभों भी ऊ कनानिन के देवतन के मूर्तिन के उपासना करिन। परमात्मा उन्हीं चेतावनी दे के लाने भविष्यवक्ता का भेजिन, पर ऊ सुने से मना कर देन। लगभग 100 साल के बाद असूरी इसराइल के राज्य का नाश कर देन। परमात्मा बेबीलोन के राजा नबुकदनेस्सर का यहूदा के राज्य में हमला करे के लाने भेजिन। बेबीलोन एक ठी शक्तिशाली देश रहो है। यहूदा के राजा नबुकदनेस्सर के दास बना के और हर साल वही बहुत सारा धन दे के लाने सहमत होएगा। पर कुछ सालन के बाद यहूदा के राजा बेबीलोन के खिलाफ बलवा कर देस। बेबीलोनिन वापस आके यहूदा के ऊपर हमला कर देन। ऊ यरूशलेम नगर में कब्जा कर लेन, मंदिर का नष्ट कर देन और नगर और मंदिर के खजाना का लूट ले गए। बलवा करे के कारण यहूदा के राजा का सजा दे के लाने नबुकदनेस्सर के सैनिक राजा के बेटवा का ओके सामने मार डालिन और फिर वही अंधा कर देन। इसके बाद ऊ राजा का ले गए ताकि वह बेबीलोन के जेल खाना में मर जाए। नबुकदनेस्सर और वाखर सेना यहूदा के राज्य के लगभग सब मनैन का बेबीलोन ले गए। बस थोड़ी से गरीब मनैन का पीछे छोड़ देन ताकि ऊ खेतन में फसल उगा सकें। समय के यह ब्यारा का बंधुआई कहिन जेमा परमात्मा के मनैन का प्रतिज्ञा के देश से निकल जाए के लाने विवश करे रहे हैं। भले ही परमात्मा अपन मनैन का उनके पापन के कारण बंधुआई में जाए के द्वारा सजा दे रहे हैं, तभु उनके और अपने प्रतिज्ञा का नहीं भूले रहे आए। परमात्मा अपने मनैन के ऊपर निगरानी करे का जारी रखी और अपन भविष्यवक्तन के द्वारा उनके से बात करत रही गे। ऊ प्रतिज्ञा करिन कि 70 साल के बाद ऊ फिर से प्रतिज्ञा के देश में लौटी। लगभग 70 साल के बाद फारस के राजा कुसरू बेबीलोन का हरा दईस। यही से बेबीलोन के साम्राज्य के बजे फारस के साम्राज्य कितना देशन में शासन करीस। इसराइली मने अब यहूदी कहावत रहे हैं। उनके मन से बहुत अपने जीवन का बेबीलोन में बिता दे रहे हैं। बस थोड़ी सी बुढ़वा यहूदीन का ही यहूदा के देश याद रहो है। फारसी मने बहुत ताकतवर रहे हैं, पर ऊ अपने जीते मनैन के ऊपर दया करिन। फारसी मनैन के राजा बने के थोड़े समय के बाद कुसरू एक ठे आदेश दईस कि कोनो भी यहूदी जौन यहूदा का लौटे का चाहत है वह फारस से निकल के वापिस यहूदा जा सकत है, यहाँ तक कि मंदिर का फिर से बनामा के लाने पैसा दईस। बंधुआई के 70 साल के बाद यहूदीन के एक ठे छोट हस्तवाग यहूदा में यरूशलेम नगर में लौट आए। जब ऊ मनैन यरूशलेम पहुँचिन तब ऊ मंदिर का और नगर के चारों कई के दीवार का फिर से बनैन। फारसी मनई अभू भी उनके ऊपर शासन करत रहे हैं, पर एक बार फिर से वह प्रतिज्ञा के देश में रह लगे और मंदिर में आराधना करा लगे। दूसरा राजा अध्याय 17:24-25, दूसरा इतिहास 26, एजरा 1-10, नहमिया 1-13 से बाइबल की एक कहानी।